हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप सभी का मैं अपने यूट्यूब चैनल में। बिहार में एक और नई भर्ती का आ चुका है अपडेट, जो कि बिहार के सभी विभागों में होगी नियुक्ति डेटा एंट्री ऑपरेटर और ऑफिस असिस्टेंट के पोस्ट पर। तो ये वैकेंसी जो आई हुई है, तो ये कैसे नियुक्ति होगी, जो कि बिहार सरकार की न्यू वैकेंसी है, इसका पूरा अपडेट आपको हम देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चलिए बिना देरी का शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है आज का बिल्कुल ताज़ा अपडेट है, जो कि आपको मिल जाएगा आज के सभी न्यूज़पेपर में। तो यहाँ पर देखिए क्या है अपडेट, कि उर्दू के ऑपरेटरों व कार्यालय सहायक की नहीं हुई बहाली, ये इसका है मेन टॉपिक। तो ये जो है बहाली पहले की थी, लेकिन इस पर जो है अभी तक बहाली नहीं हुई है, इसी वजह से जो है सरकार ने यहाँ पर नई भर्ती का ऐलान किया है, जो है इस साल आपका भर्ती होने वाला है। तो क्या है पूरा अपडेट, चलिए देखते हैं स्टेप बाई स्टेप सारा अपडेट। 3 साल पहले की गई थी घोषणा, 124 कार्यालयों में की जानी है इसकी भर्ती। तो इसका पूरा अपडेट देख लेते हैं। जिन सरकारी महकमों में, खास करके निबंधन विभाग में उर्दू में कामकाज होता है, वहां उर्दू को जानने वाले एक एक डेटा एंट्री ऑपरेटर या कार्यपालक सहायक की तैनाती करनी है, और यह आदेश 2017 में जारी किया गया था। लेकिन 3 साल बीत चुका है और 3 साल के बाद भी यह व्यवस्था लागू नहीं हो पाई है, और कहीं भी उर्दू जानने वाले डेटा एंट्री ऑपरेटरों की बहाली नहीं हुई है, और राज्य में मौजूद 124 निबंधन कार्यालयों में इन ऑपरेटरों की बहाली प्राथमिकता के स्तर पर होनी है। यानी जितने भी विभाग हैं बिहार के अंतर्गत जहाँ पर उर्दू का काम होता है, वहाँ पर 124 कार्यालय है इस तरह से। तो लगभग जो है 124 डेटा एंट्री ऑपरेटर जो कि उर्दू जानते हैं, उनकी बहाली होनी है। ठीक है, यहाँ देखिए राज्य में जो है मौजूद 124 निबंधन कार्यालयों में इन ऑपरेटर की बहाली प्राथमिकता के आधार पर की जाएगी। ठीक है, और इसके मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलों को मार्च 2017 में पत्र भी लिखा था, बावजूद इसके अब तक इनकी बहाली नहीं हुई है। और फरवरी 2019 में नालंदा समेत कुछ अन्य जिलों ने इसके लिए विज्ञापन भी निकाला था। ठीक है, यानी 19 में जो है कुछ कुछ जिलों ने, जैसे कि नालंदा वगैरह ने और कुछ अन्य जिलों ने इसके लिए विज्ञापन भी निकाला था, लेकिन इसके बाद भी मामला आगे नहीं बढ़ पाया, यानी उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई। और वर्तमान में राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में जमीन, फ्लैट, मकान समेत अन्य चीज़ों की रोजाना करीब 5,000 रजिस्ट्री होती है, और इसमें 3 से 4 जो % है वो दस्तावेज उर्दू से जुड़े हुए आते हैं, और ख़ास करके किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया समेत अन्य जिलों उर्दू में दस्तावेज के आने से काफ़ी संख्या में जो है इसकी संख्या बढ़ी हुई है, संख्या बढ़ जाती है, और कई मामलों में दस्तावेजों पर हस्ताक्षर जो है उर्दू में होते हैं, और ऐसे में निबंधन कार्यालयों में इन हस्ताक्षरों की पहचान करने में बड़ी समस्या होती है। और वर्तमान में रजिस्ट्री के लिए आने वाले उर्दू दस्तावेज को पढ़ने और हस्ताक्षर की पहचान करने के लिए बाहरी वेंडर यानी कि बाहरी एजेंसी या कार्यालय परिसर में जो निजी व्यक्ति होते हैं, काम करने वाले निजी लोग, उस पर निर्भर रहना पड़ता है। तो यहाँ पर जो है कुछ कुछ जिलों में 19 में वैकेंसी भी आई थी डेटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए जो उर्दू जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मामला आगे नहीं बढ़ पाया और उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई, जिसमें कि नालंदा जिला और भी कुछ ज़िले थे। तो यहाँ पर देखिए क्या कहते हैं अधिकारी, ठीक है, जो कि अमीर सुबहानी, आपको तो पता ही है बिहार के अपर मुख्य सचिव हैं सामान्य प्रशासन विभाग का। इस मामले में समुचित जांच की जाएगी और कहां देरी हुई इसकी पड़ताल करके इस प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाएगा। यानी जो वैकेंसी अभी तक अटका हुआ है 124 पदों पर नियुक्ति होनी है डेटा एंट्री ऑपरेटरों की, तो ये कहाँ अटका हुआ है इसकी जाँच होगी और जल्द से जल्द जो है प्रक्रिया शुरू करने का यहाँ पर निर्देश दिया गया है। तो बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आने वाली है, ठीक है, क्योंकि 19 में इसका वैकेंसी भी आया था लेकिन इसका मामला आगे नहीं बढ़ पाया और वैकेंसी अभी तक खाली रह गया। तो इसका फ्रेंड्स ये अपडेट है कि आप लोग जो इंटर पास है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा आपको जानकारी उर्दू का आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो जानते हैं उर्दू, ये उनके लिए अच्छी यहाँ पर मौका है जॉब पाने का। तो यहाँ पर जो है उम्मीद करता हूँ कि आपको जल्द 1-2 महीने के अंदर में इसकी वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, और आप चाहते हैं कि इस तरह का अपडेट आपको मिलते रहे तो आगे भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक है, और ये वाला PDF आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ जाकर ज्वाइन कीजिए, या PDF आप खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो उर्दू जानने वाले ऑपरेटर और कार्यालय सहायक के लिए बड़ी खुशखबरी है, यहाँ पर आपके लिए भर्ती आने वाली है।
ठीक है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए ताकि आगे भी इस तरह का अपडेट मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।